हरिदास ठाकुर जब गोविंद रोज उनके पास जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते थे, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजा जाता था, तो एक दिन गोविंद महाप्रसाद लेकर आए हरिदास ठाकुर जी के पास। तो हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे और ऐसा उनको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो कभी ऐसा लेटा हुआ दिन में नहीं देखते थे। तो उन्होंने पूछा, आपको क्या हो गया हरिदास? तो उन्होंने बोला, मुझे रोग हो गया और आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा। एक दाना लिया और उसको प्रणाम किया। तो महाप्रसाद जो है भगवान का, वो भगवान से अभिन्न है, तो हम उसको ना नहीं बोल सकते। चाहे आप नहीं पाना चाहते हो तो एक दाना, एक अंश जरूर लेना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर जी ने किया। क्योंकि भगवान और उनके महाप्रसाद में भेद नहीं है, तो वो महाप्रसाद भी उतना ही सम्माननीय है जितने भगवान है। तो भगवान कृपावश महाप्रसाद के रूप में हमारे जीवन में आते हैं।